तो आप सबको याद होगा HTC एक कंपनी थी, मोबाइल कंपनी थी। जी हाँ, और ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत साल से फ़ोन नहीं छोड़ रहा था और मुझे लग रहा था कि ये इंडिया से टोटल ठप हो गया, बंद हो गया, इंडिया में नहीं आएगा। लेकिन आज एक फ़ोन लॉन्च कर दिया HTC का, HTC Wildfire X। जी हाँ, और उसका कमबैक फ़ोन हम बोल सकते हैं इंडिया में। लेकिन क्या वो ख़रीदना चाहिए, क्या कुछ है उस फ़ोन में, और प्राइस 10,000 के अंदर है? तो इस सब के बारे में ज़रूर से हम आगे वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, टेक पॉइंट के और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन मिल जाएगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए, जो भी आने वाले वीडियो है उसको देखने के लिए, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से दबा देना, यानी कि बेल आइकन को जरूर से दबा देना। तो बात करते हैं HTC के Wildfire X के बारे में। जल्दी से छोटा सा वीडियो होगा, कुछ बातें करेंगे फ़ोन के बारे में, स्पेशल के बारे में, और उसके बाद बताऊंगा कि क्या आपको ख़रीदना चाहिए, क्या मुझे अच्छा नहीं लगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन की। जो HTC का Wildfire X है, ये आपको दिखेगा 10,000 के अंदर, जो भी फ़ोन आते हैं सब सेम ही दिखते हैं, ये भी वैसा ही दिखेगा। 6.2 इंच का HD+ वाला डिस्प्ले मिलेगा, ड्यू ड्रॉप वाला है। जी हाँ, ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आता है, और ये HD+ है। जी हाँ, 10,000 के नीचे है, लेकिन यहाँ पे आपको HD+ 720p वाला मिल रहा है, फुल HD यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसर की बात करते हैं तो हीलियो का P22 प्रोसेसर यहाँ पे मिल रहा है। तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, अभी सिर्फ आपको स्पेसिफिकेशन बता दे रहा हूँ, तो आपको पता चल गया प्रोसेसर है। और बॉडी डिजाइन की बात करें तो पूरा फुल ग्लास के साथ आ रहा है, आगे पीछे चारों तरफ ग्लास है, कांच ही कांच है, तो उस तरह का डिजाइन के साथ आता है। प्रोसेसर जैसे बता दें, हीलियो का P22 प्रोसेसर है, जो कि एक 12 NM बेस वाला MediaTek का प्रोसेसर है। रैम रोम की बात करें तो दो वेरियंट में आपको देखने को मिल जाएगा, 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज और 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज। तो ये कुछ अलग क्या है, यहाँ पे जनरली 3 GB 32 होता है और 4 GB 64 GB देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे तीन में तो 32 दे रहे हैं, लेकिन चार में 128 GB दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते कैमरे में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल रहा है, पीछे की तरफ और सामने की तरफ रियल कैमरा देख, एक सिंगल कैमरा देखने को मिल रहा है। तो पीछे की तरफ जो ट्रिपल कैमरा है, वहाँ पे 12+8+5 mm का कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जो 12 mm है, वहाँ पे कुछ सेंसर वगैरह यहाँ पे बताया नहीं गया है। 8 MP जो कैमरा है वो एक नॉर्मल कैमरा है, उसके बाद जो 5 mm का कैमरा होता है वो एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, सिर्फ बताया गया कि जो 8 MP कैमरा है वहाँ पर ऑप्टिकल जूम दिया गया, 8x 2x, ये सब जूम वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और क्या कुछ मिल रहा है, तो लेटेस्ट OS आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो 3300 mAh का बैटरी मिल रहा है। जी हाँ, बहुत ही कम बैटरी मिल रहा है, आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं उसको देख के तो बहुत ही कम बैटरी यहाँ पे मिल रहा है। टाइप सी का पोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, जो कि 10 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और बॉक्स के अंदर भी आपको 10 वाट का चार्जिंग मिल जाता है, चार्जर मिल जाता है। और क्या कुछ नया, तो फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, कुछ यहाँ पे खास नहीं है कि ऐसे हम बता सकते कि जी हाँ ये बहुत ही खास मिल रहा है और आपको ये फ़ोन को ख़रीदना चाहिए, तो ऐसा कुछ खास बात ही नहीं है। अब बात करते हैं फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो पहला तो बात है प्राइस, प्राइस क्या है, प्राइस है 999, यानी कि 10,000 रुपीज़ में 3 GB वेरियंट आपको मिलता है और 12,000 रुपीज़ में आपको 4 GB 128 GB वाला मिलता है फिलहाल के लिए, क्योंकि जब ये लॉन्च होगा, ये लॉन्च हो रहा है, कब लॉन्च हो रहा है, ये फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च हो रहा है, 22 अगस्त को ये मिलेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो पहला जो प्राइस होगा वो 1,000 कम होगा, जो अभी बताया मैं, और शायद से बाद में बढ़ के ये 11,000 हो जाएगा 3 GB वाला, और 4 GB 120 GB वाला शायद से 14 या 15,000 हो सकता है, तो ऐसा बढ़ सकता है। तो अभी तो जो प्राइस है, प्राइस के हिसाब से भी ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि 10,000 में इससे बेहतर फोन बहुत सारे मिलते हैं। Realme 3 आ जाता है आपको, उसके बाद Redmi का Note 7S भी आ जाता है, जो कि 48 MP के कैमरा के साथ आता है। यहाँ पे ट्रिपल कैमरा है, लेकिन वहाँ पे ट्रिपल नहीं है, डुअल कैमरा भी है, बहुत ही अच्छा फोटो आपको देखने को मिल जाता है Note 7S में। Realme 3 में अच्छी बेहतर प्रोसेसर भी मिलता है, क्योंकि जो P70 प्रोसेसर है इससे तो बेहतर है, क्योंकि ये हीलियो P20 प्रोसेसर है। और ये कौन सा प्रोसेसर है, ये वही प्रोसेसर है जो कि Redmi 6 में आपको एक साल पहले देखने को मिल रहा था, और अभी के लिए C2 में यही प्रोसेसर देखने को मिलता है। जी हाँ, C2 आपको 6,000 में 2 GB वेरियंट देखने को मिलता है, 8,000 में 3 GB वेरियंट देखने को मिलता है, उसमें भी वही सेम प्रोसेसर है। डिजाइन वाइज भी वो भी अच्छा दिखता है, ग्लास नहीं है लेकिन प्लास्टिक में डायमंड का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। सिर्फ वहाँ पे 2 कैमरे मिलते हैं, यहाँ पे 3 कैमरा मिलता है। और इसके साथ ये कम्पीट किसको करेगा, तो मुझे लगता है ये खुद को ही कम्पीट करेगा, क्योंकि इसके कम्पटीशन में एक ही फ़ोन है, जो कि है LG का W30 साइज से, 10,000 के अंदर अभी नया लॉन्च हुआ था। और ये दो फ़ोन जो है, दोनों का मतलब डिजाइन सेम है, सब सेम है। सिर्फ अच्छा बात LG में आपको क्या मिलेगा,
एक तो है बैटरी, इसमें तो 3300 का बैटरी है। एलजी में आपको मिलता है 4000 mAh का बैटरी, और साथ साथ जो कैमरा दिया गया है रियर का कैमरा, जो पीछे की तरफ जो कैमरा आपको मिला उसमें सोनी का 486 वाला सेंसर मिल रहा है। जी हाँ, सोनी का IMX486 वाला सेंसर मिला है। वही सेम सेंसर है जो कि आपको Mi A2 में देखने को मिलता है, या फिर रिसेंटली लॉन्च हुआ जो रेडमी का 7 है उसमें आपको देखने को मिलता है। तो कुछ तो इससे बेहतर है उसमें। और मुझे पता नहीं HTC क्या सोच के ये लॉन्च किया है, क्योंकि इतना कमबैक करे हो इतना साल के बाद, इतना अच्छा प्राइस में छोड़े हो, तो कुछ तो बेहतर दे देते, एटलीस्ट कुछ अच्छा प्रोसेसर देते, P60 P70 देते तो भी चल जाता। हाँ, जानते हैं कि HTC का ब्रांड वैल्यू है, लेकिन इतना भी नहीं है कि कोई ये फ़ोन लेगा रेडमी नोट 7S को छोड़ के, या फिर Realme 3 को छोड़ के, या फिर उससे कम दाम में C2 आ जाता है, 3i भी आ जाता है, 3i को भी भूल गया था, वो भी बेहतर फ़ोन है, जिसका अगर रिव्यू बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं हमारे चैनल को, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल में देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी आई बटन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो मेरे ओपिनियन के माने तो ये फ़ोन उतना अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपको HTC पसंद है तो आप ले सकते हैं, आपको HTC पसंद है तो अच्छा दिखता है। हाँ, डे टू डे यूज में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर 10,000 रुपये दे रहे हैं तो इससे बहुत बेहतर जो फ़ोन है 8,000 में मिल जाता है इससे अच्छा फ़ोन, जो कि है Realme का 3i, और 10,000 में इसी सेम प्राइस में आपको और भी बहुत सारे फ़ोन मिल जाते हैं। तो ये था दोस्तों HTC का वाइल्ड फायर एक्स के बारे में, एक छोटा सा डिटेल्स स्पेसिफिकेशन के बारे में, और लेना चाहिए या नहीं चाहिए आपको क्या लगता है आप जरूर से बताना कॉमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से तो ओके ओके है, मेरे हिसाब से लेना नहीं चाहिए, और भी बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में है, ऑनलाइन में भी मिल रहा है, ऑफलाइन में भी मिल रहा है, आप चाहें तो उस सबको कंसिडर में ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस तरह वीडियो और देखने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। मेरा नाम है सुमन, आप देखते टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।